my, oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा 6 AM productive morning routine. बहुत कुछ चेंज हो चुका है पिछले कुछ महीनों से. So, मैंने सोचा कि एक अपडेटेड मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करना तो बनता है. तो आज की इस वीडियो में मैं हर चीज़ शेयर करूंगा, कब उठता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्या क्या खाता हूँ. बहुत ही पर्सनल वीडियो होने वाली है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इस समय अभी 6 बज रहे हैं. अलार्म के बजने के बाद मैं थोड़ी देर लगाता हूँ उठने में, 5 से 10 मिनट. उसके बाद मैं सीधे जाता हूँ वॉशरूम और अपने फेस पे ठंडा ठंडा पानी डालता हूँ, जिससे कि मेरी आँखें खुलनी शुरू हो जाएं एंड आई एम ऑल अवेक. तो अपने बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो वो इस समय तक सो रही होती है. इसके बाद मैं सीधे जाता हूँ किचन में और वहां पर लेता हूँ 1 ग्लास पानी. तो पहले मैं सिर्फ नॉर्मल पानी पीता था, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करता था. बट पिछले कुछ टाइम से मैंने इसमें नींबू ऐड करना शुरू कर दिया है. थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म कर लेता हूँ फॉर 30 सेकेंड्स इन माइक्रोवेव. एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरा पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है, इमीडिएटली प्रेशर बनता है. एंड इफ योर गट इज क्लीन तो आपकी आधी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती हैं. स्किन में जितनी भी एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है. तो मैं यहाँ आराम से अपना टाइम लेकर के ये पानी पीता हूँ, धीरे धीरे सिप कर करके. इस टाइम तक मुझे प्रेशर आ जाता है और मैं इमीडिएटली वॉशरूम की तरफ जाता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ. इसके बाद मैं ब्रश करता हूँ. मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कोलगेट का वाइट टूथपेस्ट. ये मुझे एक्चुअली थोड़ा बहुत चॉक की तरह लगता है. किस किस को ऐसा लगता है प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. आई 6:30 आई एम ऑल फ्रेशन अप और मैं इमीडिएटली रेडी हो जाता हूँ अपने जिम के लिए. तो आज मेरा लेग वर्कआउट है और मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी फेवरेट टी शर्ट पहनता हूँ जो कि मैंने H&M से खरीदी थी रिसेंटली. सो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है जिम जाने में और वर्कआउट करने की मोटिवेशन भी मिलती है. और यहाँ पे मैंने अपने ब्लैक शॉर्ट्स पहन लिए हैं. उसके नीचे मैंने सिर्फ अपना एक ट्रंक्स पहना है, सपोर्टर नहीं पहना है, बिकॉज मैं आज हैवी लिफ्ट नहीं करने वाला हूँ. सपोर्टर आपको तभी पहनना चाहिए जब आप बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं. सो यस, आई एम ऑल सेट. जाने से पहले मैं अपने बाल कोम कर लेता हूँ जिससे कि थोड़े बहुत शॉर्ट अच्छे आ जाएं. और एक अच्छा बॉडी मिस्ट अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिम में जब हम वर्कआउट करते हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है एंड आपके पसीने से अगर स्मेल आती है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. और उसके बाद सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सन डैमेज से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए. हाँ, जाने से पहले मैं अपनी फेवरेट स्मार्ट वॉच पहनना तो भूल ही गया, जो कि मैं कभी भी मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि ये पूरी ट्रैक रखती है कि मुझे कितना मैंने कैलोरीज बर्न कर ली हैं. एक वाटर बॉटल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर अपनी बॉटल को रिफिल कर रहा हूँ. चीज़ मैं और करता हूँ विच इज़ टू ईट बनाना बिफोर गोइंग टू द जिम, क्योंकि वर्कआउट में भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है और बनाना आपको वो रिक्वायर्ड एनर्जी देता है जिससे कि आप जिम में अच्छे से वर्कआउट कर पाएँ. और आज वैसे भी लेग डे है तो मुझे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है. मैं जिम में चप्पल पहन के जाता हूँ क्योंकि बाहर के शूज़ जिम में अलाउड नहीं है. तो मैं यहाँ पे अपना जिम बैग रेडी कर रहा हूँ. मेरे जिम बैग में सिर्फ मेरे शूज़ हैं और उसके बाद जो मैंने अपनी वाटर बॉटल भरी थी वो मैं रख रहा हूँ एंड दैट्स इट. तो मैं एक्चुअली बहुत गंदे शेप में था पिछले काफ़ी टाइम से, मेरा पेट बहुत निकल आया था. आई वॉज फीलिंग सुपर डिमोटिवेटेड. तो मैंने सोचा कि इट्स अ हाई टाइम अंकित, आई शुड ज्वाइन अ जिम. तो पिछले 3 महीनों से मैं रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ और जो मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ. तो मैं एक बहुत जल्दी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करूँगा, स्टे ट्यून फॉर दैट. और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पर मैं अपने जिम पहुँच चुका हूँ. तो मेरा वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे अपने जिम के शूज़ पहन रहा हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाहर के शूज़ अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं पे आके चेंज करता हूँ. सबसे पहली चीज़ जो मैं कर रहा हूँ विच इज़ टू वॉक फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes ऑन ए ट्रेडमिल. इसके बाद मैं कर रहा हूँ लेग प्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी लेग की मसल्स को ग्रो करने के लिए. यूजुअली हम लोग लेग का वर्कआउट स्किप कर देते हैं, सब लोग सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप या चेस्ट ही करते रहते हैं. और लेग हमारी बॉडी का आधा पार्ट है जिसको हम लोग बहुत बुरी तरह इग्नोर करते हैं. तो नेवर एवर स्किप योर लेग वर्कआउट. आई नो कि बहुत ज़्यादा पेन होता है बट इट्स वर्थ इट. सेकेंड वर्कआउट इज फॉर माई थाइज.
ये थाइस की मसल्स को ग्रो करने के लिए ये वर्कआउट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यूजली हर जिम में ये मशीन होती ही है, सो यू कैन ट्राई। इसके बाद मैं अपनी पीछे की लेग की जो मसल्स हैं उनको ग्रो करने के लिए यहाँ पे ये वाला वर्कआउट कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द वर्कआउट नेम, बट येस, अगर आपकी जिम में है तो आप ये कर सकते हैं। तो वर्कआउट के बाद मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे और मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही थी, विच इज़ अ गुड साइन ऑफ ए गुड वर्कआउट। एंड लेग वर्कआउट करने के बाद पैर वैसे ही काम नहीं कर रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था घर जाने के लिए। वर्कआउट के बाद आई यूजली ड्रिंक वन नारियल पानी, क्योंकि बहुत अच्छा सोर्स होता है इंस्टेंट एनर्जी का और बहुत हेल्दी चीज भी होती है। वैसे तो नारियल पानी आजकल बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, तो मैं ऑल्टरनेट डे पीता हूँ, एवरीडे नहीं पीता हूँ। घर पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ विच इज टू वॉश माई हैंड एंड वॉश माई फेस, क्योंकि फेस पे बहुत ज्यादा पसीना जमा होता है और अगर हम उसको प्रॉपरली क्लीन ना करें तो एक्ने, पिंपल, ये सारी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ तो मेरी पसीने वाली टी शर्ट है वो भी मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि अगर हम वो ना चेंज करें तो बैक एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो गंदी टी शर्ट है उसको मैं धुलने में डालता हूँ। इसके बाद बारी आती है मेरे प्रोटीन शेक की, जो कि मैं पिछले कुछ टाइम से ले रहा हूँ। मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला है कि अगर आपको मसल्स ग्रो करने हैं तो थोड़ा बहुत प्रोटीन खाना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे एक प्रोटीन का एक स्कूप ले रहा हूँ और इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ पानी के साथ, विच इज़ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर मसल्स, क्योंकि हमारी जो रेगुलर डाइट होती है इंडियन डाइट, उसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है। एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ग्रो योर मसल्स यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ प्रोटीन, एंड वे प्रोटीन से बेटर कुछ भी नहीं है। सो आप कुछ भी खाने से पहले एक बार अपने ट्रेनर या फिर जिसके साथ भी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप उससे ज़रूर कंसल्ट करिए कि आपको लेना चाहिए या नहीं। 8:30 तक स्वप्निल भी उठ चुकी होती है और यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, क्योंकि मैं भी जिम से आता हूँ और स्वप्निल भी सो के उठती है। इसके बाद मैं कुछ अपने घर के जो काम होते हैं वो मैं करता हूँ, जैसे कि कूड़े वाले भैया आ जाते हैं तो मैं उनको कूड़ा निकाल के दे देता हूँ और साथ में स्वप्निल की हेल्प करता हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में। तो आज स्वप्निल ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग ब्रेकफास्ट में खाएंगे मसाला डोसा, जो कि मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन की शुरुआत एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट के साथ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप शुरुआत अच्छी करते हैं तो आप पूरे दिन भर अच्छा ही खाते हैं। तो मैं एक्चुअली डोसा अच्छा बनाता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ही बनाता हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं यहाँ पे अपना पहला डोसा बना रहा हूँ और मेरी डोसा स्किल्स आपको कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पहला डोसा मैंने पापा को खिलाया, उसके बाद स्वप्निल मुझे यहाँ पे टेस्ट करा रही है एंड आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड विद द फाइनल रिजल्ट। और इसके बाद हम लोग मिल के ब्रेकफास्ट करते हैं और जो भी टीवी में न्यूज़ आ रही होती है वो देखते हैं, क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट करने के 15-20 मिनट बाद मैं जाता हूँ सीधे वॉशरूम में नहाने के लिए, क्योंकि अब इसके बाद मुझे ऑफिस का काम करना है या फिर यूट्यूब का काम करना है। तो मैं यहाँ पे अपना शावर ले रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में मेरा शावर रूटीन देखना है अपडेटेड वन, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर बनाऊंगा। आने के बाद मैं यहाँ पे पहन रहा हूँ अपनी फेवरेट लाउड बॉय की टी शर्ट और इसके साथ साथ मैं पहन रहा हूँ टॉम बर्ग के बॉक्सर्स, जो कि मेरे फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं। पालकोम करने के बाद मैं सीधे जाता हूँ मंदिर, वहाँ पे थोड़ी सी पूजा करता हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हे गाइस, तो मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो यही होता है। पूजा करने के बाद अगर मंडे टू फ्राइडे होता है तो मैं ऑफिस के कामों में लग जाता हूँ, बट अगर सैटरडे संडे होता है तो मैं यूजुअली यूट्यूब का काम करता हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। इस मॉर्निंग में कुछ और भी धमाकेदार है, क्योंकि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैं इस दिन का बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस गुड न्यूज़ विद ऑल ऑफ यू। फाइनली हमारा यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, सबके प्यार के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं हमें यहाँ पे लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स एंड देन वी हैव आवर सिल्वर प्ले बटन। सो दिस इज़ आवर सिल्वर प्ले बटन। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सच नहीं है,
क्योंकि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और मैं लोगों के वीडियोस देखता था कि वो सिल्वर प्ले बटन या फिर गोल्डन प्ले बटन की अनबॉक्सिंग करते हैं, एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी मिलेगा। एंड 4 साल के बाद फाइनली जब मुझे ये मिला है तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी, बिलीविंग इन मी, मेरा कॉन्टेंट पसंद करने के लिए। मेरा कॉन्टेंट आपको अच्छा नहीं लगता था तो आप लोग मुझे बैश भी करते थे। आई एम सुपर हैप्पी कि आप लोगों ने वो चीज़ करी जिससे कि मेरा कंटेंट और ज़्यादा इंप्रूव हो पाया। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ईच वन ऑफ यू अगेन। और ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। यस, अगर आपको अच्छा लगा, कुछ भी मोटिवेशनल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन,